हाउ टू स्टार्ट डे ट्रेडिंग एज ए बिगनर। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जाता है, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें। और जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आप थोड़ा कॉन्शियस होगे, क्योंकि आप बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सेस से हमें मिलती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, ताकि ये सारे रूल आपको पता चल जाए कि कहां से स्टार्ट करना है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रोकर अकाउंट, वॉचलिस्ट, ETC के बारे में बताऊंगा, ताकि आप बेस्ट ट्रेडर बन सको। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आए तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिले एंड आप उस वीडियो को देख सको। डे ट्रेडिंग, सबसे पहले क्या काम करना है आपको कि एक अपना ब्रोकर फाइंड आउट करना है, किस ब्रोकर के साथ आप जाना चाहते हो। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से आपका एक ब्रोकर होता है। हमारा स्टेप एक है टू फाइंड टू ब्रोकर। तो अभी जो मैं ब्रोकर करेंटली यूज करता हूँ वो है आस्था ब्रोकरेज एंड एंजल ब्रोकिंग। मैं ये सोचता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। बट आस्था के बारे में जो ग्रेट थिंग है वो है कि वो हमें हाई मार्जिन ऑफर करता है, जिसमें हम ऑप्शन सेल भी एक लो मार्जिन में कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप लो फंड से भी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉल करके भी ट्रेड ले सकते हैं और जो लाइन है फोन लाइन वो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा है, ग्रेट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको आस्था ब्रोकरेज के साथ अकाउंट ओपन कराना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। बट अगर आपको आस्था यूज नहीं करना है तो और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, तो आप कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके टर्मिनल, उनके एप्लीकेशंस, उनके सपोर्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के टर्मिनल, किसी के सॉफ्टवेयर, किसी के प्लेटफॉर्म की वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़े। कई सारे न्यू ट्रेडर को देखा है कि वे अपना ब्रोकर अकाउंट कहीं से भी ओपन कर लेते हैं एंड वे ट्रेड कर जाते हैं, बट उसमें से निकलना कैसे है, ट्रेड क्लोज कब करना है, कैसे करना है, कभी कभी अकाउंट स्टक हो जाता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं, कॉल करते हैं कॉल मिलता नहीं है। तो आपको ये सब श्योर करना होगा कि आपको ये सब पता हो। और एक और बात यह है कि आपका ब्रोकर है उसका कॉलिंग नंबर बहुत बिजी नहीं आना चाहिए, अदर कभी टर्मिनल हैंग होगा तो आपका बिग लॉस हो सकता है। ब्रोकर के बाद आपको ये देखना है कि आप किस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दो सेगमेंट है बेसिकली, इक्विटी एंड कमोडिटी, यानी कि MCX। अब इक्विटी में दो होता है, कैश होते हैं एंड फ्यूचर ऑप्शन होता है, MCX में केवल फ्यूचर होता है एंड ऑप्शन होता है, अभी लेटेस्ट में ऑप्शन ऐड हुआ है। सो मैं इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताता हूँ। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि जो बिगनर हैं, जो न्यू ट्रेडर हैं, उनके लिए इक्विटी कैश से स्टार्ट करना बहुत अच्छा होगा, वो भी स्मॉल क्वांटिटी से। कैश क्या है? जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, SBI, HUL, सन फार्मा, ITC, ये सब कुछ, इनमें आप इनकी हिस्सेदारी खरीद सकते हो। ये लोग अपना शेयर बेचते हैं वहाँ एक्सचेंज में, वहाँ से आप शेयर खरीद के इनके कंपनी के आप पार्टनर बन सकते हो। इस वीडियो में हम केवल कैश के बारे में कवर करेंगे। MCX यानी कि कमोडिटी। कमोडिटी क्या है? कमोडिटी जैसे जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल है, गैस है, जो बिल्कुल मतलब बेसिक चीज़ें जो आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है कमोडिटी के अंतर्गत आती हैं। इन पे वर्ल्ड के न्यूज़ का, वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल का डायरेक्ट जो है इम्पेक्ट आता है। और ये चूँकि पूरे वर्ल्ड में ये सारे जो है एक ही रेट पे मूव करते हैं, इसलिए वर्ल्ड के न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट रहता है, काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। सेकेंड स्टेप है टेक द टाइम टू लर्न। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं, और इस लॉन्ग रन में ये स्टेप छोड़ना आपको हर्ट कर सकता है। मैंने कई बार देखा है, इनफैक्ट मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, कि अगर आप अपना टाइम लर्न करने में इन्वेस्ट नहीं करोगे, चार्ट को समझोगे नहीं, मार्केट को समझोगे नहीं, तो आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी और आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए अपना जो न्यू जर्नी है उसको बिगनिंग में ही लर्न कर लीजिए, ताकि आपका जो बाकी का जो इंटायर ट्रेडिंग टाइम है
वो प्रॉफिटेबल हो, तो उसके बाद आपके लर्निंग प्रोसेस में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी ट्रेडर जो होते हैं वो टेक्निकल और फंडामेंटल इन दो चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं, मतलब या तो सिर्फ फंडामेंटल पर ध्यान देते हैं या तो सिर्फ टेक्निकल पर। मैं पर्सनली दोनों यूज करता हूँ, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। दोनों में डिफरेंस यह है कि टेक्निकल में चार टेक्निकल इंडिकेटर और प्राइस एक्शन होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक वैल्यू रेवेन्यू ऑफ कंपनी अर्निंग कंपनी एडवांटेज होते हैं। और पर्सनली फंडामेंटल एनालिसिस को समझने में ज़्यादा टाइम ज़्यादा रिसर्च लगता है, क्योंकि इसमें आपको कंपनी को रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस थिंग के बारे में रिसर्च करना होगा, उनके प्रॉफिट उनके लॉस इटीसी। सो पे अटेंशन एवरी साइड, ये बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट है, ट्रेडिंग सीखना जरूरी है। आप टेक्निकल सीख के सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा स्विंग करना है, थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो हर महीने हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट सीख के प्रॉफिटेबल ट्रेड शुरू कर चुके हैं। स्टेप 3 है हमारा सेट ट्रेडिंग गोल। किसी भी चीज़ को पाने के लिए गोल का होना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चन आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये पैसिव इनकम होने वाला है, आप कितना एक्टिव होने वाले हैं, कितने टाइम आपके पास है कि आप अपना टाइम स्क्रीन को दे सकते हैं चार्ट बुकिंग में, और एक दिन में आप कितना देर मार्केट को वॉच कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों का डे जॉब होता है 9 to 3:30, 9 to 5, मार्केट का जो टाइम है वो 9 AM to 3:30 PM है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल कैजुअल को फिगर आउट करना होगा, और आप कैसे डे ट्रेडिंग मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको डे ट्रेडिंग में दिन भर अपना स्क्रीन के सामने बैठना पड़ सकता है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। सो एनालाइजर लाइफ आपको पता है कि कितनी बिजी हो जाएगी, और आप स्पेशली अगर आपको 9 to 5 जॉब है तब तो फिगर आउट करना और भी जरूरी हो जाता है। दूसरा जो गोल है हमारा वो है कि आपका जो ट्रेड प्रॉफिट रिलेटेड होना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ओवरऑल कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और लाइफस्टाइल बहुत स्मूथ होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग अपनी स्ट्रेटजी लॉस करके करते जाते हैं और वो उसे फिर भी चेंज नहीं करना चाहते, तो इसके लिए उनको फिगर आउट करना चाहिए क्या गलत कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों को अपने शेड्यूल में से कुछ ऐड करना होगा और कुछ रिमूव करना होगा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो एक भी ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप ओवरऑल गुड ट्रेड कर रहे हो या बैड ट्रेड कर रहे हो। आपके ऐसे हो सकते हैं कि एक बैड ट्रेड, 4 गुड ट्रेड या 3 बैड ट्रेड एंड 2 गुड ट्रेड, ये सब अपने में मेकअप हो जाएंगे। इसलिए आपको अपना अटेंशन रखना होगा और मेक श्योर आप अपनी स्ट्रेटजी अपडेट करते रहो और जितना हो सके उतना लर्न करते रहो, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो कि परफेक्ट हो। मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है और हमें वह मार्केट के चेंज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। स्टेप 4 है नेक्स्ट जो हमारा है, डिसाइड ऑन ट्रेडिंग स्टाइल। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। देखिए ट्रेडिंग स्टाइल में क्या है, एक स्कैल्पिंग होता है, डे ट्रेडिंग होता है एंड स्विंग ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग के लिए स्कैल्पिंग में क्या होता है कि होल्डिंग फॉर फ्यू सेकेंड टू कपल ऑफ मिनट, इसमें हम बड़ी पोजिशन थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए बनाते हैं एंड स्मॉल पॉइंट में लेके एग्जिट हो जाते हैं। चूंकि हमारा क्वांटिटी बड़ा होता है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में छोटे पॉइंट में बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। प्रॉफिटिंग फ्रॉम स्मॉल प्राइस चेंज मल्टीपल टाइम्स, हम मल्टीपल टाइम ट्रेड करते हैं बिग क्वांटिटी के साथ छोटे पॉइंट्स के लिए। इसके बाद है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में क्या है कि होल्डिंग फॉर 10 मिनट टू ए कपल ऑफ आवर, द ट्रेड इज ओपन एंड क्लोज विद इन द सेम डे, ये होती है हमारी डे ट्रेडिंग। हम उसी दिन खरीदते हैं उसी दिन बेचते हैं। रिक्वायर क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द गिवन स्टॉक, ट्रेडर्स आर लुकिंग फॉर बिगर प्राइस मूवमेंट। ठीक है, इंट्राडे में हमें बड़ा प्राइस मूवमेंट पकड़ना है, अपनी एनालिसिस स्ट्रांग रखनी है, बिना एनालिसिस के करना नहीं है। अगर आप बिना एनालिसिस करेंगे तो प्रॉफिट हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि होल्डिंग फॉर फ्यू डे टू सेवरल वीक, यहाँ पे कुछ दिन से लेकर बहुत सारे वीक तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है। यूटिलाइज टेक्निकल फंडामेंटल एज वेल एज ओवरऑल प्राइस नीड्स ट्रेंड्स। मैंने आपको बोला जैसे कि अगर आपको स्विंग करना है तो आपको वहाँ पे थोड़ा टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी देखना जरूरी है, क्योंकि आप स्विंग करने जा रहे हो सकता है कि आपको 2-3 वीक होल्ड करना पड़े। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है स्टेप 5, उसमें बिल्ड ए वॉच लिस्ट। आपको एक वॉच लिस्ट जरूर बनाना चाहिए। सो वॉच लिस्ट पे ये लोग ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वेरिएबल स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग,
का, अगर आप सही स्टॉक चूज करते हैं और किस तरह के स्टाइल है आपका, उसी पर वॉचलिस्ट डिपेंड करता है। तो वॉचलिस्ट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल रखना है उसे, आपको ध्यान रखना है कि बहुत से स्टॉक आते हैं जिस पे आपको पोटेंशियल ट्रेड करना है और आपका वॉचलिस्ट ओवरऑल वेलमिंग ना हो, बहुत छोटा होना चाहिए। एज ए ट्रेडर आपको अप्रोक्स 2 to 3 स्टॉक यूज करना चाहिए और आप मिस ट्रेड या ओवर ट्रेड ना करो। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप अपने फेवरेट से स्टिक हो जाइए। जिन लोगों के पास ज़्यादा वॉल्यूम होता है मार्केट में, तो स्टॉक जैसे कि रिलायंस, HUL, TCS से लॉन्ग होते हैं जो उसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है रीड करने में, इनके पास वॉल्यूम होता है। चूँकि आपको अपना वॉचलिस्ट अपडेट रखना है, जैसे स्टॉक ऐड करना, रिमूव करना और भी स्ट्रॉन्गर करना, जो भी न्यूज होती है सेक्टर पे, कंपनी पे, मार्केट पर, उसे अप टू डेट रखना है। स्टेप 6 नेक्स्ट है प्रैक्टिस। आपको पेपर ट्रेड करना है और उसमें फीचर्स, आप अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को लर्न करना ही, अपने स्क्रीन पर आपको मॉनिटर करना ही आपका मेन जो है गोल होना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो आपको उसमें फैमिलियर होना चाहिए। बिना फैमिलियर हुए आप जो है नॉलेज के अभाव में हो सकता है प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर जाओ, इसलिए सिस्टम के साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। सेकेंड जो हमारा स्टेप है, लास्ट स्टेप, वो है टाइम टू ट्रेड। अब टाइम आ चुका है कि आप ट्रेड ले सकते हैं। तो लास्ट स्टेप है ट्रेडिंग का, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है ट्रेडिंग के लिए। मैंने देखा है कि लोग एजुकेशनल कोर्सेस लेते हैं और तभी भी वो अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाए, या तो फिर वे डरे होते हैं या उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ट्रेड कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस करके आए रहते हैं और जो एनालिसिस उनको पास की गई है वो यूजफुल नहीं होती है मार्केट में। मैं जानता हूँ ये इजी जर्नी नहीं है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, इसमें बहुत टेंशन एंजाइटी होता है, आप मेंटली एंड इमोशनली इफेक्ट होते हैं। ये इजी जॉब नहीं है मेरी ओपिनियन में, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको बस गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपके जर्नी के बिगिनिंग में बहुत सारे हो सकता है कि आपको लॉसेस दिखें, बट जैसे ही आप खुद को आगे की तरफ पुश करेंगे आप जरूर सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, बस आपको गिव अप नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी कैच कर लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम लगता है। तो मैं बता दूं कि कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट यहाँ पे, 100 सालों से है और आगे भी 100 सालों तक मार्केट रहेगा, तो कोई भी जल्दबाजी नहीं है। और लास्ट में आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप बिना सीखे ट्रेड मत करिएगा। अगर आपको सीखना हो हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, अपने घर बैठे सीख सकते हैं। अगर आपको सीखना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सिखा पाया हूं, अगर कोई भी गलती हुई हो माफी चाहूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।